मत बोलना। सब हंस रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा अच्छा गया। लॉस्ट इन द जंगल। तो गाइस काफी गर्म हो गया और सर ने हमारे लिए मंगा लिया समोसे और कोल्ड ड्रिंक। कॉलेज में घूम रहा है राक्षस। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट मना। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी और बिल आ गया हमारा और उन्होंने हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए। एक हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से कॉलेज जाने से, क्योंकि आज है कॉलेज का वाइवा। और यहाँ मैं जा रही थी तो मैंने देखा मम्मी यहाँ पर कुछ सुधार रही है। देख सकते हो मम्मी यहाँ पे सुधार रही है बट ये सारी चीज़ें यहाँ सुखाने रखी है। मिर्च भी यहाँ सुखाने रखी है। ये है मसूर की दाल, मसूर की दाल भी अभी सुखाएंगी। और फिलहाल तो भट्टी सुधारा जा रहा है। तो आज का व्लॉग बनेगा कोचिंग में एग्जामिनर हमारे आ चुके हैं, सर का मैसेज आके जल्दी आ जाओ। सो गाइस हम आ चुके हैं कॉलेज पे और सब यहाँ वाइवा की तैयारी कर रहे हैं। सब बैठे हुए हैं देखो कैसे, और यहाँ हमारा वाइवा हो रहा है अंदर, यहाँ नहीं वहाँ हो रहा है। हाथ थरथर थरथर कांप रहे हैं, पैर कितनी प्यारी लग रही है। जूम यही पर खड़ा था, जूम हो रहा था उसके मुंह में। सो गाइस अभी हमारे बहुत टाइम है नंबर आने पे। हम सब लोग जा रहे हैं गलियों में दोबारा से, गलियों मतलब ऑब्वियसली कॉलेज की गलियों में, देख के आते हैं क्लास लगती थी और देखते हैं क्या लास्ट दिन है कॉलेज का। सो यादें तो गाइस काफ़ी गर्म हो गया और सर ने हमारे लिए मंगा लिया समोसे और कोल्ड ड्रिंक। तो अच्छे सर है हमारे, नहीं वही है, वही वाला है बेटा। 63 लोग देखेंगे बेटा, बेइज्जती अलग होगी। 36 नहीं देखेंगे, 63 देखेंगे। अबे बस यार हो गया। अबे रैम्बी कैसे लगा? हमने इसको बता भी था, इसको पहचाना कॉलेज में घूम रहा है राक्षस। क्या बोला? कॉलेज में घूम रहा है राक्षस, तुलसी का साला है। हमारी क्लास में बस इतने लोग बचे हैं अभी वाइवा के लिए। हमें अब समोसे बट रहे हैं, खाओ खाओ सब खाओ। और यहाँ पर क्लासेस लगे हैं, एडमिशन हो रहे हैं शायद बीकॉम के। तो गाइस अभी हमें चटनी बट रही है यहाँ पर। चटनी खा रहा हूँ, चटनी चटनी बोलो, चटनी चटनी बोलो। चटनी ले लो यार, ये कैसे डाइट वाले हैं, हम तो बिना समोसे के नहीं रह सकते। सॉरी वो साइड वाले। तो गाइस हो चुका है मेरा वाइवा, तो बहुत अच्छा गया। मैं सबके जवाब दिए, अब सही तो दिए लेकिन छोटे छोटे टू द पॉइंट आंसर बोला। सब हंस रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा अच्छा गया। तुम भी दिख रहे होंगे, तुम भी दिख रहे होंगे। देखो गाइस मेरे क्लास के कितने बच्चे हैं, देखना तो ज्यादा हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फोटो सेशन के लिए। यहाँ पर शायद फोटो सेशन होने वाला है हमारा, हमारी पूरी क्लास जा रही है। तो गाइस हमने फोटो ले चुकी है और दोबारा हम लेने वाले हैं फोटो। ऐसे घुमा देती हूँ। सो गाइस कितना सुंदर है देखो, वाह यार कितने प्यारे लग रहे हो तुम लोग। तुम तीनों ना खोए हुए बच्चे लग रहे हो, जो खो जाते हैं ना जंगल में बच्चे लग रहे हो। लॉस्ट लॉस्ट इन द जंगल। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट मनाल
और लिफ्ट में है, यहाँ सीज़ा भी नहीं है सो लिफ्ट में जा रहे हैं, कुछ ड्रिंक पी के आते हैं। सो यार चल पहुँच गए, सो फोन नंबर पे चलो यहाँ से ऊपर को है मदार। सो हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे जितना हो सकेगा। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और ये है ड्रिंकिंग ड्रिंक्स मेन्यू एंड दिस वन इज फूड मेन्यू। वी हैव ऑर्डर दिस मैंगोज मैंगो ड्रिंक में कुछ एक है ये। सुबह से हमने मैंगो शेक मंगाया था 159 का आई थिंक और सबसे कम रेंज का था, मतलब हमने रेंज देख के नहीं मंगाया, बस ये टेस्ट करना था। ये वाला मैंगो शेक हमने टेस्ट नहीं किया था और मैं अभी बताऊँ बहुत वर्थ इट है, मतलब लगा कि इतने पैसे खर्च हुए तो मतलब इसके बदले हमें इतना अच्छा मिला है ड्रिंक, मतलब बहुत जगह ऐसा होता है इतना घटिया और रेंज इतना हाई, तो मुझे ये बहुत अच्छा। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी और बिल आ गया हमारा और उन्होंने हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, एक तो पहले खुद लाकर बोतल रख दिया उन्होंने, ठीक है, तो उस बोतल का भी चार्ज ले लिया क्या तो सबके सामने बोल रही हूँ, मतलब ऐसे रंगने की अच्छा नहीं है, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बट एक्स्ट्रा चार्जेस काफ़ी ज़्यादा थे मेरे अकॉर्डिंग। 2020 तो हम दोनों के एक्स्ट्रा बैठने के लिए ले लिए टेबल के ऊपर से पानी भी खुद के रखा तो जा रहे हैं बोतल के चार्जेस ले लिए सही में और बैठने के भी 20 इसके अगर हम लोग चार लोग आते थे 20 रुपये तो सोच समझ के आना, ऐसे मत आना ना कि हिसाब से पैसे लेके दे, है ना। बट अच्छा था सब कुछ, सबका चार्ज ले लिया शायद उन्होंने हमसे सबसे। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं घर, उन्हें अभी चली गई थी अपने घर, मैं भी आ गई, अब हमने वीडियो बनाई, मैंने बड़ी मुश्किल से मम्मी के हाथ पैर जोड़ के बोला मम्मी वीडियो बना दे, तो मम्मी ने बनाई है धूप में। एक बात बोलूँ रूम के अंदर तो बाहर ही अच्छी आती है, आई नो कि मेरा बहुत सारा ये है बट मुझे शर्म ज़्यादा लगती है ना क्योंकि घर है आसपास, यहाँ तो इतने भी कर लिए फिर भी मुझे शर्म लगती है, ऐसा लगता है सब मुझे ही देखते होंगे अपनी अपने घरों से तो तब शर्म लगता है, बट आजकल हल्के हल्के पेड़ हो गए हैं जैसे आप लोग देख रहे होंगे पीछे, तो अब मैं बनाऊँगी थोड़ा सा तब ढक जाते हैं ना पेड़ों से, तो वैसे बनाई है मैंने यहीं पर बनाई है, कोई बनाने वाला भी होना चाहिए ना, बनाने वाला ही नहीं मिलता मुझे, और शाम को अच्छी आती नहीं है वीडियो और शाम को सब घूमे रहते घूमते हैं तो सब बाहर ही निकल जाते हैं, दिन का टाइम सही होता है, दिन में मैं घर पे होती नहीं हूँ तो या ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो या अभी तो मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और देखते हैं आप क्या करते हैं। सो मेरा ये आउटफिट मुझे इतना अच्छा लगा ना, है ना, मैं वीडियोज़ डाल दूँगी लास्ट में जो मैंने पहना है। कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछती मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या, इतना तो मुझे है मालूम मिलके तुझे बेहतर मैं इंसान बन गई, थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करने का तरीका। सो अब मैं करती हूँ थोड़ा रेस्ट, बड़े दिनों बाद दिन में रेस्ट करने का आनंद सुख मिल रहा है मुझे, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ और ऐसे रिव्यू लेने के लिए, अगर आपको रेस्टोरेंट्स के रिव्यू चाहिए पिथौरागढ़ के तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं और रेस्टोरेंट भी एक्सप्लोर करूँगी अगर आप लोग जाते हो तो, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा छोटी सी, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपनी मेरी वीडियोज़ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चाचा बाय, टेक केयर, बाय।